मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक चीज तो यही कहना चाहूंगा कि आपको वार्निंग साइंस पता होने चाहिए। अगर आप होम आइसोलेशन कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क करके रखें। हर एक राज्य ने कॉल सेंटर्स बनाए हैं, फोन से वो पेशेंट्स को घर पे कॉन्टैक्ट करते हैं सुबह शाम कि आपकी सैचुरेशन क्या है, बुखार कितना है और कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर आपकी सैचुरेशन 93 या 93 से कम हो रही है, या आपको बुखार तेज हो रहा है, या छाती में दर्द है, सांस नहीं ले पा रहे, या सुस्ती बहुत हो रही है, आपके साथ जो लोग हैं वो देखते हैं कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या और कोई ऐसे लक्षण हो जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तो इमीडिएटली आप एकदम अपने डॉक्टर से संपर्क करें या हॉस्पिटल आए, क्योंकि घर पे फिर रहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि घर पे आप ज़्यादा डिट्योरेट कर सकते हो और फिर दवाई पूरी तरह से देने में डिले हो सकता है। साथ साथ अब जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी रिकवरी रेट अच्छा हो गया है, तो अब जो हम पहले कहते थे कि हॉस्पिटल में बेड्स की प्रॉब्लम है या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वो सिचुएशन अब काफ़ी हद तक इन राज्यों में ठीक हुई है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंटर ने भी कई नए हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी है, और इस तरह से कई नए सेंटर्स या कैंप हॉस्पिटल बन गए हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल में अगर आपको जाने की ज़रूरत है तो ज़रूर जाएं, उसमें आप थोड़ा सा हिचक ना करें।